हाय एवरीवन, दिस इज एलिज़े ताहिर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी। हमारी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और हर्ब से ठीक हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम होम रेमेडीज़ फॉलो करेंगे ईजीली घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ, और इन सब रेमेडीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। एंड आई हैव मेक श्योर ये सारे इन्ग्रीडियंट्स आप सबके पास ईजीली अवेलेबल हों। तो सबसे पहले हेयर आउट ऑफ द वे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे फेस पैक पे मेरे बाल अटके। सो पहला स्टेप है फेस क्लींजिंग। इसके लिए हमें चाहिए रॉ मिल्क और सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर ऑप्शनल है। हमें 1 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर मिल्क में मिक्स करना है। अब हम एक नॉर्मल कॉटन पैड लेंगे, उसको इस मिक्सचर में अच्छे से सोक करेंगे। उसके बाद अपने पूरे फेस पर क्लींस करेंगे। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, जिसकी माइल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी स्किन के ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन को रिवील करती है। ये एक सैचुरेटेड फैट, प्रोटीन, कैल्शियम, वाइटामिन सी में बहुत रिच होता है। और सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन पाउडर, इसमें होती हैं बहुत सारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो प्रिवेंट करती हैं पिंपल, एक्नी सोर्स। सैंडलवुड पाउडर एक बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक रेमेडी है, जो हेल्प करता है हमारी पिगमेंटेशन को और डार्क स्पॉट्स रिमूव करने में भी हेल्प करता है। और बहुत जेंटल प्रेशर के साथ इसको अपनी स्किन पर एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक क्लीन कॉटन पैड और उससे अपने फेस को साफ करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, विच इज स्टीमिंग। और स्टीमिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये प्रमोट करता है सर्कुलेशन। स्टीमिंग से फेशियल पोर्स ओपन होते हैं, जिससे रिलीज ऑफ डेड स्किन सेल और बैक्टीरिया बहुत इजीली हो जाता है। मैं जर्नली 2 to 3 मिनट स्टीम लेती हूँ। आप चाहें तो 5 to 6 मिनट्स भी ले सकते हैं। स्टीमिंग से जो ट्रैप सेबम होता है वो भी रिलीज होता है, और नेचुरली अगर हमारे पोर्स ओपन होंगे तो ब्लैक हेड्स भी इजीली रिमूव हो जाएंगे। नाउ थर्ड स्टेप, विच इज़ एक्सफोलिएशन। इसके लिए हमें चाहिए कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल और हनी। सो 1 टीस्पून हनी मिक्स करेंगे कॉफ़ी में। And 1 tablespoon coconut oil. अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यूज करेंगे एज एन एक्सफोलिएटर। इसकी स्मेल अमेजिंग है। ये हमारे डेड स्किन सेल्स के साथ साथ ब्लैक हेड्स भी रिमूव करती है। कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल और हनी। अब हम थोड़ी गीली स्किन के ऊपर ही इसको यूज करेंगे। कॉफ़ी में प्रेजेंट कैफीन हमारी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को इनक्रीज करता है। कॉफ़ी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करता है। हमारी स्किन जो है वो यंग लगती है,
एंड ऑल्सो ये कोलाजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। इसमें प्रेजेंट कोकोनट ऑयल हमारी प्री मेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल करता है। इसमें हमने हनी भी डाला है। हनी जो है वो ब्लेमिशेस को फेड करने में हेल्प करती है और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं जनरली फोकस करती हूँ अपने ब्लैक हेड्स पर। स्क्रब करने के बाद हमें करना है फेस वॉश और अच्छे से पैड ड्राई करना है। नाउ फोर्थ स्टेप विच इज फेस पैक। और फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, हल्दी एंड योगर्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और यूज करेंगे एज अ फेस पैक। बेसन हमारी स्किन को क्लीन और ब्राइट करता है। ये एक बहुत अच्छा क्लींजिंग एजेंट है और इसी वजह से ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। और हल्दी मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट ऑफ स्किन है। इसमें होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन में होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ये हमारी स्किन में प्रोड्यूस करते हैं कोलाजन प्रोडक्शन को। अब मैं मिलती हूँ आपको 10 मिनट्स के बाद। आई एम बैक। तो 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमें इसे क्लीन करना है और क्लीन करने के लिए हमें पानी लेना है और सर्कुलर मोशन में इसे क्लीन करना है। आई विश ये इतना ईजी होता क्लीन करना जितना ये वीडियो में लग रहा है। और अब हम अपनी स्किन को पैड ड्राई करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप विच इज आइसिंग। आपको अपने फेस को सर्कुलर मोशन पे अच्छे से मसाज करना है। इससे जो है वो आपकी स्किन थोड़ी सी रेड हो जाएगी, बट इट्स टोटली नॉर्मल। आइस मसाज करने के बाद हमें यूज करना है एलोवेरा जेल। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता तो आप मॉइस्चराइजर लगाकर इसको यहीं पर एंड कर सकते हैं। बट क्योंकि आई लाइक एलोवेरा जेल, क्योंकि इसका काम होता है हील और रीजेनरेट करने का। मैं अच्छी सी लेयर अपने पूरे फेस पर लगा लूंगी। ये मेरी स्किन को अच्छे से सूथ करेगा और कूलिंग इफेक्ट देगा आफ्टर आइसिंग। अब मैं फिर से आइसिंग रिपीट करूंगी ऑन दिस मास्क। ये पूरी स्किन को बिल्कुल सूथ कर देगा एंड एट द सेम टाइम ये पोर्स को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करेगा।
इसके बाद हम जो है वो नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेंगे। इसके बाद मैं टोनर यूज करूंगी और इसका काम होता है पीएच लेवल को बैलेंस करने का। नाउ 8th स्टेप विच इज फेस मसाज। सो आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर ले सकते हैं या सीरम या फिर कोई भी फेशियल ऑयल और इसको अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना है। एंड दिस कम्प्लीट्स माई वीडियो टूडे। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।